हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो आज बहुत ही बड़ा खबर निकल के आ रहा है बिहार बोर्ड के तरफ से, और ये एकदम 100% सही है। और जितने भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं यहाँ पे कोई भी मतलब झूठा खबर नहीं दिखाया जाता है। बस अब जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैट्रिक और इंटर का तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम का डेट निकल चुका है और सब क्लियर हो गया है कि किस दिन कौन सा एग्जाम होगा। यहाँ पे ये आज कैलेंडर ईयर जारी हुआ था और आपका इसमें बताया गया है कि मैट्रिक का एग्जाम कब से होगा, कितने दिन तक चलेगा, कौन कौन से विषय आपका किस दिन है। वही इंटर का भी बिल्कुल बताया गया है कि कब आपका एग्जाम होगा, कब से कब तक होगा और कब से मतलब किस दिन कौन सा विषय है। तो और आपका एडमिट कार्ड भी कब आएगा, आपका रिजल्ट कब आएगा, ये सब बात इसमें लिखा गया है। बिहार बोर्ड का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से लाइव आएंगे ताकि ये आपको बताया जाए और पूरा इसको डिटेल में समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये हम सब आपको ये बता सके। रूटीन ये कहाँ से डाउनलोड करना है सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, क्योंकि रूटीन डाउनलोड करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो रूटीन आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है ना। क्रोम को यहाँ पे ओपन करने के बाद आप लोग लिखिएगा ASK और फिर CLAAA। सबसे पहले ये रूटीन आपको डाउनलोड करना जरूरी है। उसके बाद अभी आप लोग डाउनलोड मत करिएगा, वीडियो खत्म हो जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे ये आस्क क्लास लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा यहाँ पे देखिए आपको ये फोटो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना। ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है, मैट्रिक इंटर परीक्षा रूटीन अभी अभी ये जारी और यहाँ पे डाउनलोड, इस पे बस आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा ये खोलने वाला आएगा, इसे आप लोग खोल दीजिएगा ताकि ये दोबारा ना आए, ठीक है ना। फिर कट करके फिर आपको क्या करना है, इस फोटो पे आपको क्लिक करना है और आपको क्या करना है, इसे काफी अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये आपके बारे में कब से कब तक एग्जाम होगा ये सब यहाँ पे लिखा गया है, टाइम टेबल सब यहाँ पे ये सब लिखा गया है, ठीक है ना। डाउनलोड करने के लिए आप लोग देखिए 12th के हैं तो यहां से 12th के कर सकते हैं, यहां से 10th के हैं तो यहां से आप लोग 10th वाला डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक कर लीजिए यहां पे, जैसे ही आप लोग यहां पे क्लिक करिएगा नेट फास्ट होगा, ये क्या हो जाएगा अभी यहां पे ये ओपन हो जाएगा, देख रहे हैं यहां पे ये जल्दी यहां पे ये ओपन हो जाएगा। देखिए डाउनलोड हो रहा है, जितना फास्ट आपका नेट होगा उतना फास्ट ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। चलिए अब इसी नोटिफिकेशन को हम आपको बताएंगे कैसे आपको समझना है, कहां से आपको देखना है, क्योंकि ये बहुत लंबा है। बिहार बोर्ड के द्वारा सब चीज का कैलेंडर ईयर जारी हुआ है तो इसमें बताया गया, थोड़ा सा ये ओपन हो जाता है उसके बाद हम यहां पे क्या करते हैं आगे आपको बताते हैं। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, ये देखिए ये डाउनलोड हो गया ना, डाउनलोड हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं बाबू, बताते हैं अपने होम स्क्रीन पे, ठीक है ना। ऐसे आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। चलिए मोबाइल थोड़ा सा रखते हैं और आप लोग अब पढ़ाई में अब ध्यान लगा दीजिए, क्योंकि अब परीक्षा का अपडेट भी निकल चुका है तो अब पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। थोड़ा सा कलर ले लेते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल में इसको हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका लिखा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यहाँ पे आपका लिखा गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, श्री आनंद किशोर बिहार विद्यालय के जो अध्यक्ष हैं, 4/12 बिहार बोर्ड के वार्षिक परीक्षा 2024 आयोजित की जाने वाले इंटरमीडिएट एवं विभिन्न परीक्षाओं के वार्षिक कैलेंडर जारी किया, ठीक है ना। यहाँ पे ये जारी किया गया है, इसमें लिखा गया है, आइए अब हम आपको इसमें नीचे दिया गया है। सबसे पहले आप लोग देखिए सब चीज इसमें लिखा गया है, ये आपका यहाँ पे ये इंटरमीडिएट का है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट का ये रूटीन है, नीचे वाला ये आपका मैट्रिक का है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ये आपका नीचे वाला ये है माध्यमिक, परीक्षा कैलेंडर आपका जारी हो गया। शुरू से हम आपको बताते हैं, सभी बच्चे एकदम आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा, ये आपका लिखा गया है माध्यमिक परीक्षा आयोजन से संबंध में गतिविधियों के लिए वर्ष 2024 का कैलेंडर, यानी आपका जो आप लोग 10th में हैं ये आपके लिए 10th का है। देखिए वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र, आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड, आप लोग पूछते हैं ना सर हमारा फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका फाइनल एडमिट कार्ड आपका जारी होगा
8 जनवरी को आपका फाइनल एडमिट कार्ड जारी होगा और 15 जनवरी तक आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका देखिए, इसका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड नहीं होता, एक एक वो आपका फाइनल एडमिट कार्ड होगा। इसका फाइनल एडमिट कार्ड 8 जनवरी को आएगा और 15 जनवरी तक रहेगा। वेबसाइट से डाउनलोड करके स्कूल में मोहर वोहर लगवा लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया गया है, आपका यहाँ पे देखिए प्रायोगिक परीक्षा, यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है ये 18 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक आपका चलेगा। दो दिन 18, 19, 20, तीन दिन आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, सब यहां पे लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे देखिए, और यहां पे ये कुछ लिखा गया है, ये सबसे मेन है, आप लोग यहां पे देखिए ये वाला, यहां पे सबसे मेन है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 का आपका जो एग्जाम शुरू हो रहा है बाबू, देखिए यहां पे 15 फरवरी से चलेगा, कब तक, यहां पे 23 तारीख तक चलेगा। ये आपका क्या है, एग्जाम डेट है, यहां पे आप लोग देख लीजिए, जो आपका परीक्षा होगा ये 15 फरवरी से चलेगा, स्टार्ट होगा 15 फरवरी को और आपका यहां पे 23 फरवरी तक चलेगा। ये फाइनल मोहर लग गया है 15 तारीख से, 15 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। अब देखिए यहां पे दो पाली में परीक्षा होगा, ठीक है ना, क्योंकि लड़के बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक फर्स्ट सीटिंग होता है, एक सेकंड सीटिंग होता है, ठीक है ना। तो प्रथम पाली और द्वितीय पाली में एग्जाम होगा, ठीक है। और पहले दिन ही आपको याद रखना है, हिंदी का एग्जाम है, पहले दिन मातृभाषा हिंदी का है, जिनका हिंदी है, बंगला है, उर्दू है, मैथिली है, उनका 9:30 बजे से बाबू आपका परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। परीक्षा सेंटर पे आपको 8 बजे तक किसी भी हाल में हाजिर हो जाना है, 9:30 से है ना, तो 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पे आपको पहुंच जाना है। अब घर से आप लोग देख लीजिएगा कितना जल्दी निकलिएगा कि परीक्षा केंद्र पे आपको 8 बजे तक पहुंच जाना है। 9:30 से लेके आपका 12:45 तक एग्जाम होगा, ठीक है ना। और वही आपका सेकंड सीटिंग में भी बिल्कुल वही होगा, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग एक ही होता, मतलब एक ही विषय का होगा, दो पालियों में बांट दिया जाएगा, आधा लड़के एक बार एग्जाम देंगे, आधा लड़के एक बार, और दोनों क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिंदी का एग्जाम होगा, जिनका हिंदी है, बंगला है, उर्दू है, मैथिली है, उनका पहले दिन ही एग्जाम है और ये सही है, बहुत अच्छा है। गणित का थोड़ा दिन मतलब बाद में रहता है, या गणित का पहले एग्जाम हो जाता है ना तो टेंशन छूट जाता है, गणित का आप क्या होगा बीच में एक भी दिन गैप नहीं है, आप लोग देखिएगा आगे। अगला यहां पे देखिए, सेकंड दिन ही आपका गणित का है, 16 तारीख को, 16 फरवरी आपका यहां पे गणित का परीक्षा होने वाला है और ये दो पालियों में होगा, एक पाली मतलब दो क्वेश्चन सेट बनते हैं, एक सुबह वाले बच्चों के लिए, एक बार दोपहर वाले बच्चों के लिए, दो सीटिंग में एग्जाम होता है, दो सीटिंग मतलब दो बार एग्जाम होता है, ज्यादा बच्चे हैं इसीलिए। तो 16 को आपका यहां पे गणित का पेपर होने वाला है। उसके बाद आप लोग यहां पे देखिए, ये है आपका 17 तारीख का द्वितीय भाषा यानी संस्कृत, ठीक है ना, द्वितीय भाषा आपका यहां पे संस्कृत होगा, जो अरबी लिए हैं अरबी उनका होगा, उनका फारसी होगा, या भोजपुरी जो लिए हैं उनका होगा, ठीक है ना, ये आपका भी चलेगा, मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों पालियों में ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 17 के बाद आपका क्या है बाबू, 18 छुट्टी है, ठीक है ना, 18 आपका यहां पे छुट्टी है। उसके बाद यहां पे 19 तारीख को फिर आपका यहां पे एग्जाम होगा, 19 तारीख को देखिए आपका यहां पे सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा, ठीक है ना, और 20 तारीख को आपका किसका होगा, विज्ञान का एग्जाम होगा, ठीक है, और 21 तारीख को आपका क्या होगा, अंग्रेजी का एग्जाम होगा, ठीक है ना, और उसके बाद 21 तारीख का आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो भी बच्चे एक्स्ट्रा में लिए होंगे, जो ऐच्छिक विषय होता है एक्स्ट्रा वाले, तो जो भी बच्चे एक्स्ट्रा वाले हैं उनके 22 और 23 को एग्जाम होगा, तो एक्स्ट्रा जो भी बच्चे लिए होंगे, एक्स्ट्रा में बच्चे लेते हैं इसमें भी, ठीक है ना, तो जो एक्स्ट्रा में लिए होंगे उनका 22 और 23 का यहां पे एग्जाम होने वाला है। तो अब आपको समझ लेना है कि बाबू आपको कैसे तैयारी करना है, तैयारी करना अगर हमसे तैयारी करना है बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको तैयारी करवाते हैं, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, वेट करिए। अगर आपको तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर डाउनलोड कर लीजिए, 82 35 67 2001, ठीक है ना, इस पे आपको हाई लिख के भेजना है। और जैसे ही आप लोग हाई लिख के भेजिएगा, इधर से एक लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, काफी अच्छी तरीके से तैयारी भी करवाया जा रहा है, ठीक है ना। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आपको कैसे इसका मतलब तैयारी करना। अब आगे देखिए आगे क्या है, अभी इतना ही नहीं, अभी आगे देखिए, परीक्षा का तो डेट निकल चुका है, अब आगे देखिए, अब आपका आगे क्या है, अब इसमें आपको बताया गया है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, यह भी यहां पे बताया गया है। देखिए
यहाँ पे आपका दिया गया वार्षिक माध्यम, ये नौवा का, आप जो नाइन्थ क्लास में अगर आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं ना अभी नाइन्थ क्लास में, उनका एग्जाम कब होगा ये भी बता दिया गया है कि मार्च के तृतीय सप्ताह में, यानी इनका भी 20-21 से एग्जाम शुरू होगा मार्च में, ठीक है ना, इनका 20 जो नाइन्थ में है। अब देखिए आपका रिजल्ट कब आएगा ये भी यहाँ पे बता दिया गया है, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 का परीक्षा फल, यानी आपका रिजल्ट कब आएगा, तो मार्च या अप्रैल, मार्च का हम आपसे बोलते हैं ना मार्च के एकदम लास्ट 28, 29, 30 या अप्रैल का 1, 2, 3 में, 1 से लेके 5 तक अप्रैल में, यानी अप्रैल के पहले सप्ताह और मार्च के आखिरी सप्ताह में इसका रिजल्ट आता है, या तो 28, 29, 30 मार्च का, नहीं तो आपका 1, 2, 3 लास्ट 5 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, तो बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। और जो भी बच्चे फेल होते हैं उनके लिए कंपार्टमेंट का परीक्षा होगा, अगर मान लीजिए किसी विषय में ऐसा ना हो कि कोई बच्चा फेल हो, अगर कोई बच्चा किसी विषय में फेल हो जाता है उसके लिए अप्रैल और मई महीने में कंपार्टमेंट का परीक्षा होता है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और कंपार्टमेंट का यहां पर रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे कंपार्टमेंट का आपका रिजल्ट भी आ जाएगा मई में, एकदम फटाक से रिजल्ट भी आ जाता है उसका, ठीक है ना। तो ये था हमारा मैट्रिक का, तो जो भी बच्चे मैट्रिक में आप लोग पढ़ते हैं इसका कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है, शुरू में हम आपको बता दिए, डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग क्लास हमसे जरूर करिएगा, और आज से आप लोग एकदम सतर्क हो जाइए कैसे आपको क्लास करना है, काफी अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, सब आपको एक वीडियो में बताया जाएगा कैसे आपको पढ़ाई करना है पूरा मन लगा के, ठीक है ना। तो अब तो आपका निकल भी गया कि किस दिन कौन सा एग्जाम आपका होने वाला है, रूटीन है, आप लोग नीचे डाउनलोड कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंटर का भी आप लोग समझ लीजिए ताकि अगर आपके भाई बहन है तो उनको आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें दो गो यहाँ पे प्रवेश पत्र होता है, ठीक है ना, एगो का इनका प्रैक्टिकल का ये होता है, एडमिट कार्ड होता है, तो इंटर का जो प्रैक्टिकल का प्रायोगिक का एडमिट कार्ड होगा ये 20 से लेके 9 यहाँ पे दिसंबर, यानी 20-12 से लेके 9-1, ठीक है ना, 20 दिसंबर को निकल जाएगा, 9 जनवरी तक इंटर का। केवल आपको याद रखना है कि जो मतलब इंटर में है बच्चे उनका एडमिट कार्ड, जो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड, मैट्रिक में प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड नहीं होता है, इंटर में प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड होता है, 20 दिसंबर से निकलेगा, 9 जनवरी तक ये वेबसाइट पे रहेगा, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट का जो प्रायोगिक परीक्षा है यानी प्रैक्टिकल है वो उनका होगा यहां पे आप लोग देखिए 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी, 10 दिन होगा, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट का जो फाइनल एडमिट कार्ड होगा जिससे परीक्षा देना है वो आपका निकलेगा 21 जनवरी को, ठीक है ना, और 31 जनवरी तक वेबसाइट पर रहेगा, ठीक है। और मैट्रिक का जो परीक्षा होने वाला है वो आपका 1 फरवरी से होने वाला है, आप लोग यहां पे देख लीजिए, ये आपका यहां पे है, आप लोग एक बार ये देख लीजिए, उसके बाद हम आपको कुछ बातें बताएंगे, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। 1 फरवरी से आपका एग्जाम होगा, जो आईएससी में है यानी जो साइंस से इंटर कर रहे हैं उनका बायोलॉजी होगा, ठीक है ना, और सेकंड पाली में इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है ना, और यहां पर जो आईए है जो आर्ट्स से है उनका यहां पर फिलोसफी होगा और सेकंड पाली में इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहां पे देख लीजिएगा, फिर 2 तारीख को जो साइंस से लिए हैं उनका मैथमेटिक्स होगा और जो आर्ट्स से हैं उनका भी मैथमेटिक्स होगा, दोनों मैथमेटिक्स अलग होता है। सेकंड में आपका क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा और यहां पे ये वोकेशनल कोर्स होगा, फाउंडेशनल कोर्स, ठीक है। अब जो भी है आप लोग यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 3 को यहाँ पे आईएससी का यहाँ पे फिजिक्स होगा और सेकंड में ज्योग्राफी और यहाँ पे बिजनेस स्टडीज कॉमर्स का, ठीक है ना। उसके बाद 5 को यहाँ पे इंग्लिश होगा और हिंदी होगा आईए का, मतलब यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे बाबू आपको ध्यान देने वाली बात ये है, और इंटर का रिजल्ट कब आएगा ये अब हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना, ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इसमें सब लिखा रहता है, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा फल मार्च अप्रैल, बिल्कुल 5 दिन पहले इंटर का आता है, 5 दिन बाद आपका क्या होता है, मैट्रिक का आ जाता है, तो 5 दिन का इधर उधर रहता है, इसका मार्च में ही आ जाता है, आपका अप्रैल में आता है, सिंपल, ठीक है ना। इनका मार्च में आ जाएगा 25 मार्च को और आपका 1 अप्रैल 2 अप्रैल को ऐसे आ जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे कमेंट पढ़ लेते हैं, सभी बच्चे आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि यहाँ पे और भी बच्चे यहाँ पे इस जानकारी को हासिल कर लेंगे, ताकि बहुत ही जरूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और बच्चों को, ठीक है। और डर लग रहा है सर जी, अब बहुत सारे बच्चे लगाए थे शेड्यूल तो उसमें रो रहे थे कि अब तो एग्जाम का डेट भी आ गया, अब लग रहा है एग्जाम होगा, तो बाबू अब
आज से आप लोग अभी से एकदम पढ़ाई पे आप लोग लग जाओ, ठीक है ना। पढ़ो एकदम बहुत ही बढ़िया से, काफी अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, हम आपके साथ है एकदम। जितना हो सकेगा हमसे उतना हम आपके लिए करने के लिए तैयार है, जो भी मैट्रिक में बच्चे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ाई करो, ग्रुप में जुड़ो, क्योंकि वहां पे लिंक आपको भेजा जाता है ताकि आपका क्लास मिस ना हो। अगर आप लोग कहीं पे चले गए क्लास के टाइम में तो घर आके वापिस आप लोग क्लास दे सकते हैं। तो आप लोग अभी से, ठीक है ना, अभी तो अब टाइम क्लास का निकल गया, लेकिन सुबह में आपका क्लास होगा, क्वेश्चन बैंक आपको लिए चलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन बैंक आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ाई करो, सुबह में 6:15 में क्लास होगा, एक भी क्लास आप लोग मत छोड़िए। और लाइव आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा ना तो उसी समय सब पढ़ाई हो जाता है। अगर एक क्लास छोड़ दीजिएगा फिर दूसरा क्लास बोलिएगा बाद में देखेंगे, तो ऐसे वो पहाड़ टाइप का हो जाएगा और वो आपका खत्म भी नहीं होगा। तो लाइव क्लास जब हो रहा है, जितना क्लास छूट गया छूट गया, जितना लाइव क्लास हो रहा है ना उसको आप लोग पढ़ो, बढ़िया से पढ़ लिख के बढ़िया नंबर लाओ, यही हम यहां पे चाहेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, एक एक दोस्त के पास इस वीडियो को आप लोग पहुंचा दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए, सब जगह लगा दीजिए। और एक बार आप लोग देख लीजिए फिर से वेबसाइट से आपको ये कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको गूगल क्रोम आपको ओपन कर लेना है, ठीक है ना। यहां पे अब आपको लिखना है आस्क क्लास, ASK, और फिर यहां पे CLASS, आस्क क्लास आपको लिख देना है। जैसे ही आप लोग यहां पे आस्क क्लास लिखिएगा ना, यहां पे ये आस्क क्लास लिखा हुआ आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहां पे क्लिक करिएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आप लोग यहां पे देखिए, ये आपका यहां पे फोटो आ जाएगा, मैट्रिक इंटर परीक्षा रूटीन जारी, अभी अभी डाउनलोड करें, इस फोटो पे आपको क्लिक करना है, ये ओपन करने वाला आएगा, इसे आपको ओपन कर देना है ताकि ये बार बार ना आए, ठीक है ना। ओपन ये जब हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है, ये ओपन हो गया, ठीक है ना। ये अच्छी तरीके से जब ओपन हो जाएगा इसको काट देना है ताकि ये दोबारा ना आए, ठीक है ना, इसीलिए बताया जाता है। फिर इस पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग यहां पे क्लिक करिएगा आपको क्या करना है, ये लिखा गया ना तो सभी चीज आपको काफी अच्छी तरीके से लिखा गया, समझाया गया है। इसमें अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहां से भी आप लोग देख सकते हैं ये मैट्रिक का लिखा गया है कि गुरुवार को कौन सा भाषा है, मातृभाषा हिंदी है, गणित है, द्वितीय भाषा संस्कृत है आपका, फिर यहां पे सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी है, ऐच्छिक विषय है, सब यहां पे लिखा गया है। और डाउनलोड करने के लिए आप लोग देखिए यहां पे रूटीन जो लिखा है, यहां पे 12th रूटीन, 10th रूटीन, बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा नेट आपका फास्ट होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। सर जी इतना जल्दी क्यों बता रहे हैं, डर भी लग रहा है, डरने का बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, जब हम हैं तो बाबू डरने का क्या बात है। आपको इतना अच्छा तरीका से तैयारी करवा दिया गया है और करवा दिया जाएगा आने वाले दिनों में, कि आपको डरने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी 50 दिन आपके पास है, 50 दिन में बाबू एक पहाड़ तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो वो पहाड़ है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का, तो हम लोग एकदम मिलकर तोड़ेंगे, साथ में तोड़ेंगे। आप लोग क्लास एक भी मत छोड़िए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा आपका पढ़ाई हो रहा है, आप लोग क्लास मत छोड़िए। और जो भी बच्चे नोट्स खरीदे हैं नोट्स को एकदम आप लोग रट जाइए, क्योंकि वही से सब क्वेश्चन आएगा, ऐसे आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैट्रिक वाले बच्चे देखिए यहां पर इंटरमीडिएट लिखा रहेगा, उनका यहां पर लिखा है, ठीक है ना। और मैट्रिक वाले बच्चों को थोड़ा सा और नीचे आना है, यहां पर आइएगा नीचे, तो यहां पे लिखा रहेगा माध्यमिक परीक्षा। माध्यमिक परीक्षा जो होता है वो मैट्रिक वाले को बोला जाता है, ठीक है ना। तो माध्यमिक परीक्षा वाला आप लोग आइएगा, ये रहा आपका यहां पे, ये दिया गया है आपका 15 फरवरी से, ये आपका रूटीन है, इसे आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम आपसे, अब मिलेंगे 6:15 वाली क्लास में सुबह में, ठीक है ना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कर देना और लोगों के पास और स्टूडेंट के पास, ठीक है ना, सभी बच्चे करेंगे ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अब पढ़ाई पे एकदम बिल्कुल आप मन लगा दीजिए, अब रूटीन भी निकल गया, शादी भी आज छोड़ के एकदम पढ़ाई पे ध्यान, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।